आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छाया मिश्रा में। देखिए गाइस, आज की रेसिपी मुरमुरे का नाश्ता कितना टेस्टी और कितना यम्मी है, और वीडियो पूरी देखिएगा। लास्ट बीच में हम ये चटनी भी बनाना बताते जाएंगे, इतनी टेस्टी इतनी यम्मी। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी हमने कैसे बनाई है, तो चलकर देखते हैं अपनी ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। आज हम मुरमुरे का बहुत टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो ये दो कटोरी मुरमुरा और एक कटोरी सूजी, तो देखिए कैसे बनाना है। ये देखिए गाइस, एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें अपना मुरमुरा डाल देंगे दोनों। तो इनको हमें अच्छे से वॉश करना है। देखिए इसमें पानी डाल के इसको हम वॉश कर लेंगे अच्छे से, थोड़ी देर भीगने देंगे। भीगने के बाद इसे वॉश करेंगे, ठीक है, जैसे कि इसका गंदा गंदा पानी जो है वो निकल आएगा। ये देखिएगा इसको ऐसे निचोड़ते हुए हम निकाल कर अलग रख लेंगे, ठीक है सारों को। ये देखिएगा अपनी सूजी इस बर्तन में डालेंगे, और ये एक कटोरी हम लेंगे अपना दही या मट्ठा, ये होममेड मट्ठा है दही। तो इसको अब हम ऐसे ही भिगो के रख देंगे। सूजी हमारी जितना भी लेना होगा सो कर लेगी मट्ठे को, दही को। ये देखिएगा इस तरह से हम इसको मिला देंगे दही, ठीक है, फिटा हुआ दही है ना, तो उसको मट्ठा भी बोला जाता है यहाँ पर हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, तब तक हम और तैयारियां कर देते हैं। ये देख सकते हैं गाइस कुछ सब्जियां हैं, ये हरी मिर्च, ठीक है, टमाटर, प्याज, धनिया और ये बीन्स। तो चलिए इनको यूज करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने एक आलू मीडियम साइज का कट करके ले लिया है मिक्सी के जार में, तो अब इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए गाइस, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें हम ऐड करेंगे, और ये 2 मिर्च हरी। गाइस ये हमारी तीखी मिर्च नहीं है, इस वजह से हम डालेंगे, तो इसको भी ग्राइंड करेंगे। गाइस ये देखिए हमारे मुरमुरे जो सॉफ्ट हो गए हैं, वो भी इसमें हम डालकर पीसेंगे। वैसे तो आलू में खुद ही इतना पानी होता है, बट अगर जरूरत पड़े तो पानी आप थोड़ा डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं गाइस पीस चुका है, हमने लगभग 4 स्पून इसमें पानी ऐड किया था। अपना जो सूजी और दही का बैटर रखा है इसको भी हम इसी में ऐड करेंगे, और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए गाइस, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून कलर के लिए, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा हम लेंगे जीरा 1/2 टेबल स्पून। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 2 से 3 पिंच हींग, इसको मिक्स कर लेंगे एक साथ। ये देख सकते हैं गाइस हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इसी बर्तन में हम इतना ये पेस्ट डाल लेंगे, ठीक है, और इसमें और इंग्रीडियंट मिलाएंगे। ये देखिए गाइस, अब सब्जियां हम ऐड करेंगे, जो सारी सब्जियां हमने दिखाई थी, ठीक है। ये देखिए धनिया पत्ता, टमाटर, प्याज और अपनी हरी मिर्च, सारा मिक्स कर देंगे आपस में। देखिए गाइस जो थिकनेस है ऐसी होनी चाहिए जैसे कि हम बनाते हैं अपना चीला वगैरह। ये देखिए इस तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी। तो चलिए इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं, फिर बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए गाइस, अगर आप ऐसे ही बनाना चाहे बना सकते हैं, बस हम 1 स्पून बेसन भी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बेसन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसको भी मिक्स करेंगे। ये देखिए गाइस, इसको भी मिक्स कर देंगे क्योंकि बेसन का टेस्ट अच्छा लगता है, तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है इसी वजह से। देखिए गाइस, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है या नॉन स्टिक तवा नहीं है, लोहे का ही है, तो आप ऐसे ऑयल लगाएं पूरे तवे में और एक बार खूब अच्छे से इसको गर्म कर लें। ये फिर नॉनस्टिक की तरह काम करेगा, ठीक है, और इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं पहले। ये देखिएगा इसमें टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे, ठीक है, और मसाला नमक हमने ऐड किया हुआ। चलिए बनाते हैं मिक्स करके। देखिएगा अगर आपको इसको फ्लफी और थोड़ा सा फूला फूला बनाना है, तो या तो इनो ऐड करिए इसमें, या फिर बेकिंग सोडा, बट हम इसमें ये कोई चीज नहीं ऐड करेंगे, हम ऐसे ही सिंपल बनाएंगे क्योंकि सबके घर में ये चीजें नहीं अवेलेबल होती हैं, तो इनको हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ये देखते हैं, ये देखिएगा इस कितनी तेज से हमारा फ्लेम हो चुका है। तो अब हम इस टाइम पर अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे, अब ये हमारा नॉनस्टिक का काम करेगा। ये देखिएगा इस अब ठंडा हो चुका है तवा, फिर से जला लिया है, तो अब इसमें हम अपना डाल देंगे 1 से 1.5 लीटर, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, उसको अच्छे से फैला देंगे।
और फ्लेम को बिल्कुल धीमी रखेंगे जिससे कि ये जले नहीं और अच्छे से पके। अब ये देखिए इसको हम ऐसे ढककर पकाएंगे एक मिनट के लिए। ये देख सकते हैं गाइस एक मिनट हो चुका है, तो आप ये देख सकते हैं ऊपर से ड्राई ड्राई हो गया, तो हल्का सा ऑयल लगा देंगे ठीक है। और इसको अब हम देखिए कितनी अच्छे से फुल हो रहा है, कितनी अच्छे से निकल रहा है बाहर, ये देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल अगर ऑयल एक बार ऑयल रख दीजिए, लगा दीजिए अपने पैन पर और उसके बाद में उसको अच्छे से जला दीजिए तवे को, तो अच्छे से हो जाता है। और अब हमने पलट दिया है, अब हमें बिल्कुल भी ढकने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम एक मिनट पकाएंगे। देखिए गाइस जब तक वो हमारा बन रहा है तब तक चलिए हम बना लेते हैं चटनी इसके साथ सर्व करने के लिए। तो ये देखिए हमारी धनिया पत्ती धुल के हमने साफ कर ली है, ये टमाटर और हरी मिर्च दो, और ये एक टुकड़ा अदरक का। अभी देखते रहिएगा इसमें और हम क्या इंग्रेडिएंट डालते हैं। तो देखिए गाइस इसको हम पीस लेंगे अच्छे से मिक्सी में। ये देखिए गाइस अब इसमें हम डालेंगे दही अपना 2 से 3 स्पून। ये देखिए गाइस अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 स्पून हमने कर लिया है। ये देख सकते हैं गाइस मुरमुरे की और जो चूड़े की हमने बनाई थी पोहा की नमकीन, और इसमें देखिए काजू बादाम सब कुछ है, मूंगफली के दाने भी हैं। तो इसको हम इसमें डालेंगे इसको थिक बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए। देखिए गाइस हमारे नमकीन में भी नमक है और इसमें भी नमक है, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए गाइस हमारी पीस कर तैयार है और आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं कितना टेस्टी है। तो चलिए इसको भी निकालते हैं बाउल में। अब ये देखिए गाइस ये हमारा मुरमुरे का नाश्ता बनकर रेडी है, तो इसको हम सर्व करेंगे और हम दूसरा भी इसी तरह से सेक लेंगे। गाइस अब अधिक इसमें ऑयल लगाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए गाइस उसी तरह से दूसरा लैडल भी हम इस पर डाल देंगे और फैला देंगे अच्छे से ठीक है। जिस हिसाब से जिस साइज का आप अच्छे से खाएं पसंद आए, अच्छे से सेकना है इसको अपने इस हिसाब से जितना बड़ा आप बना पाए ठीक है। और इसको देखिए एक साइड में हमें ढकना है ऊपर से और फिर हमें बंद करके इसको पकाना है। ये देखिए उसी तरह से इसको भी पकाना है। एक मिनट के लिए इसको ढक दिया, फिर हम अपना रखेंगे। एक मिनट के लिए इसको ढक दिया और जब ये सिक जाएगा फिर हम ओपन करेंगे। ये देखिए गाइस देख सकते हैं और कितनी आसानी से ये छूट रहा है, ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल चिपका नहीं है। तो एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपका भी बहुत आसानी से हो जाएगा। और ऐसे ही इसको पकाएंगे अच्छे से पलटते हुए। ये देखिए इसे उलटते पलटते क्रिस्पी सेक लेंगे अच्छे से। आप चाहें थोड़ा अपने हिसाब से ऑयल डाल लें। तो गाइज इसी तरह से सारे बना लेते हैं, फिर आपसे आके मिलते हैं। ये देखिए गाइज ये चटनी है, तो कुछ थिक ज्यादा लगने लगी तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे हम। ये देखिए गाइस हम बिल्कुल 2 स्पून के करीब और पानी इसमें ऐड कर रहे हैं और उसको फिर से एक बार चला लेंगे ग्राइंडर में जिससे कि अच्छे से हो जाए। ये देखिए गाइस 4 से 5 स्पून पानी और डाल दिया है, फिर से चला लेंगे क्योंकि मिक्सी के जार में चटनी काफी थी इसलिए। ये देख सकते हैं गाइस ये भी हम इसमें डाल देंगे ठीक है। आप इसकी थिकनेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस हिसाब से खाएं। और एक बात गाइस हमने इसमें ये पोहा और उसकी नमकीन बना के डाली थी, आपके पास मूंगफली के दाने हो या फिर चना दाल हो, भुनी हुई नहीं आती चना दाल वो हो तो आप वो भी ले सकते हैं, तो अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इसके लिए छौंक बनाते हैं ठीक है, फिर सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस एक हमने चमचा रख दिया है ठीक है। आप फ्राई पैन हो आपके पास छोटा तो ले लीजिए, इसमें हम डालेंगे ऑयल। ये देखिए गाइस 1/2 टेबल स्पून सरसों दाना ये हम अपने उसी ऑयल में डालेंगे, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए गाइस अब इसमें हम हींग डालेंगे 2 पिंच और अपना छौंक लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए इससे गाइस लुकिंग बहुत अच्छी आती है इसकी। और इसको अब हम ना मिला देंगे आपस में इस तरह से और इसको सर्व करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस इसको अब हम सर्व करेंगे, बन चुके हैं हमारे अच्छे से। ये देखिए गाइस हमारा बन के नाश्ता तैयार है, मुरमुरे का टेस्टी एंड यम्मी नाश्ता। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी है और इतना नर्म है कि कोई भी खाए बहुत आराम से वो खाएगा, टेस्टी कतई। ये देखिए और हेल्दी तो इतना है क्योंकि इसमें सब्जी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो इच्छा है वो ऐड करिए सब्जियां। तो आज की हमारी रेसिपी बताइएगा कैसी लगी। तो
मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।